नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा के पापड़। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं पोहा के पापड़। यहाँ पर ले लिए हैं एक बाउल पोहा, तो इन्हें साफ करेंगे, धुलेंगे और फिर भिगोएंगे, आधा घंटा के लिए रख देंगे भिगोकर। देखिए मैंने पोहे ले लिए थे, अच्छे से साफ कर लिए थे और भिगो दिए थे आधे घंटे पहले। ये देखिए हमारे पोहा अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इनका बैटर तैयार करेंगे। मिक्सी का जार लेंगे और उसमें पोहा को ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए बैटर हो गया है तैयार। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। बचे हुए पोहा से भी सारा बैटर तैयार करेंगे। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे चलाते जाएंगे। इसमें एक बाउल पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even? पर मैंने 2 चम्मच नमक डाला है और आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें। अच्छे से मिक्स करें और इसे चलाते जाएं ताकि बैटर तले में ना चिपक पाए। मैंने इसे यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया है और ये पककर तैयार है। ये देखिए पक गया है और अब इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके हम पापड़ बनाएंगे। थालियों में मैंने घी लगा लिया है, अब पापड़ बनाएंगे। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसे फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फैल रहा है। ऐसा ही बैटर बनाकर तैयार करेंगे। इसे यहाँ थालियों में डाल रही हूँ, आप पॉलीथिन पर डाल सकते हैं। सारे बैटर से पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end? सारे पापड़ बनकर तैयार हैं, अभी पंखे में सूख रहे हैं, कल धूप में सुखाकर फिर मिलते हैं। अगर धूप में सुखाएंगे तो एक दिन में सूख जाएंगे और हम इन्हें पंखे में सुखाते हैं तो 3 दिन लगेंगे। हमारे पापड़ अच्छे से सूख कर तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको तलेंगे। दबा दबा के तले, बहुत अच्छे से तले होंगे इससे, बिल्कुल गोल पापड़। कि हमारे बिल्कुल खस्ता पापड़ बनकर हैं तैयार बिना सोडा के। आप इसमें नमक कम ही डालें क्योंकि हम इसमें कोई मसाले नहीं डाल रहे। हमारे पोहा के पापड़ बनकर हैं तैयार। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Deep within.